34,687 पॉजिटिव केस हैं अभी तक, जिसमें 1870 पिछले दिन के थे, और 20,871 तो 20,871 अभी एक्टिव केसेस हैं, और 12,731 लोग ठीक हो चुके हैं। बहुत हो गई 1,085 दिल्ली में अभी तक टोटल डेथ हो चुकी है। कल का कुछ आंकड़ा है कल टोटल डेथ का 65%। सर दिल्ली में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इसको देखकर स्थिति अभी क्या लगती है, और जो कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर एक असमंजस वाली स्थिति है उस पर क्या कहना है? देखिए स्थिति का तो ये है कि केसेस लगभग 2 हफ्ते में डबल हो रहे हैं, और अभी से नहीं पिछले 2 महीने से लगभग यही चल रहा ट्रेंड चल रहा है, हर 2 हफ्ते में केसेज डबल हो जाते हैं। उसका रीजन है कि भाई एक आदमी को लगभग 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में, अगर वो ठीक होने से पहले 2 लोगों को भी इन्फेक्ट कर देता है तो डबलिंग रेट यही चल रहा है। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है, और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएँ हैं, WHO है या बड़े बड़ी संस्थाएँ, वही बता पाएंगी कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, इस पर क्या सर कुछ चर्चा है सर? नहीं नहीं लॉकडाउन बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल एक तल्ख टिप्पणी की और कहा है कि दिल्ली जो है वो कोरोना कैपिटल बनने की कगार पर है, क्या याचिका में की सुनवाई के दौरान? देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हुआ है ना, इसको देखना पड़ा किस कंटेक्स्ट में है। जो कोरोना है ये पूरी सेंचुरी के अंदर, पिछले 100 साल के अंदर, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद ये 100 साल के बाद एक इस तरह से बीमारी आई है, पूरी दुनिया के अंदर है। इसको ये कहना कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कम है, ये जरूर हो सकता है कुछ आगे है कुछ पीछे है। कुछ देशों में पहले हुआ तो वहाँ पे अब स्लो डाउन हो गया है, कम होना स्टार्ट हो गया है, जिसमें बाद में वो उसमें फास्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा आगे पीछे की बात है। तो ये फैल बहुत तेज़ी से रहा है, और स्पेनिश फ्लू भी एक कोरोना वायरस था उस टाइम पर भी, और ये भी कोरोना वायरस है, जिसे नोवल कोरोना वायरस COVID-19 का नाम दिया गया है। इसकी बस यही डेंजरस है कि ये फैलता बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। NCD ने कल मौत को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया था कि जितने आंकड़े जारी किए हैं उससे तकरीबन 2 गुना मौत हो चुकी है। देखिएगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने सुना था वो बता रहे थे कि पर्ची आती है कोविड की, कोविड प्रोटोकॉल से जिनका संस्कार किया जाता है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनकी कोविड से डेथ हुई है, दूसरे होते हैं जिसको किसी भी तरह का शक होता है, सस्पेक्ट होता है। पर्ची एक ही जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल से उनका संस्कार किया जाए, मतलब जो लिखित में जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल से संस्कार किया जाए, इसमें बहुत तरह के लोग होते हैं। मान लो एक किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई, तो अगर परिवार में कोई भी पॉजिटिव था, जब सस्पेक्ट भी था, कहते यार सस्पेक्ट मान लो उसको कि कैन बी सस्पेक्टेड फैलना जाए, या कोई कह देता है कि जी इनको तो 4 दिन पहले बुखार आया था या कुछ भी बता दे, तो उसको सस्पेक्ट मान लिया जाता है। तो कोरोना सस्पेक्ट एंड कोरोना पॉजिटिव दोनों को कोरोना प्रोटोकॉल से दाह संस्कार किया जाता है, और साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग है हमारे पास, रिपोर्टिंग हॉस्पिटल्स करते हैं सारे, तो कभी हॉस्पिटल की रिपोर्टिंग 2-3-4 दिन आगे पीछे नहीं होती। लेकिन डबल का अंतर सर होगा? नहीं मैं बता रहा हूँ सस्पेक्ट बहुत बड़ी संख्या, बता रहे हैं कि 277 सस्पेक्ट है उनको हमने अलग रखा है, ये 2098 जो पर्ची आई है ये कंफर्म कोरोना डेथ है उसको तो हमारे पास भेज देना, आपको बताने के बजाय वो डिटेल हमारे पास भेज दें। सरकार ने पूरा इसका सिस्टम बनाया हुआ है, हॉस्पिटल में जाते हैं पूरी डिटेल जाते हैं, कई सारे केस ऐसे निकले जिनको कोरोना पहले डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी रिपोर्ट मंगाई गई नेगेटिव निकली, ऐसे भी केस निकले कि रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, नाम कोविड पॉजिटिव दे दिया गया। अब ये बताइए सरकारी रिकॉर्ड में आएगा उसका नाम तो चाहिए, उसकी एज तो चाहिए, ये तो बेसिक डिटेल्स तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा कि भाई हम कह दें कि भाई नंबर्स हैं। कल को आप ही हमसे पूछेंगे कि आपने कहा कि ये 1085, अगर मैं कहता हूँ ये 2000 है, 2000 की लिस्ट दे दो, आप उनसे लिस्ट मांग लो 2000 की तो पता लगेगा, और उसकी रिपोर्ट मांग लीजिए नेगेटिव की रिपोर्ट, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भी होनी चाहिए, और कहते हैं उसके लिए कंफर्म होना चाहिए। सर दाह संस्कार की कुछ जो तस्वीरें आई हैं, कई नेताओं ने ट्वीट किया, अजय माकन ने भी एक पंजाबी बाद शमशान घाट की तस्वीर ट्वीट करके कहा कि पहली बार उनके पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई कि 3 दिन बाद की शमशान घाट में दाह संस्कार की तिथि मिली है। तो ये सर मौत के आंकड़ों पर जो सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ जो अंतिम क्रिया है उसको लेकर तैयारी में कहीं कमी है? देखिए अंतिम क्रिया का जो सारा मैनेजमेंट है वो एक्चुअली के द्वारा संभाला जाता है और उसको एमसी से भी ही देता है। सर इसके अलावा एक सेंटर की रिपोर्ट है जिसमें महाराष्ट्र तमिलनाडु के साथ साथ दिल्ली और गुजरात का भी जिक्र है कि आने वाले महीनों में बिटवीन जून एंड अगस्त
आपके पास आईसीयू बेड्स वेंटिलेटर सारे कम पड़ेंगे, क्या इसके लिए कुछ तैयारी अलग से हो रही है? जी हम अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार ने कहा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। उनके पास काफ़ी आईसीयू बेड्स हैं अपने अस्पतालों के अंदर, 13,000 बेड केंद्र सरकार के पास है जिसमें से बड़ी संख्या में उनके पास आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर बेड है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। एमसीडी का ये भी कहना सर उनके अस्पताल तैयार है लेकिन दिल्ली सरकार क्यों नहीं उनके अस्पतालों का इस्तेमाल कर रही है? इसमें हमने इस्तेमाल थोड़ा करना है, उनको कोविड का इलाज करना है भाई। केंद्र सरकार ने किया जो अपने जितने भी किए उन्होंने अपने आप किए ना, एमसीडी को कोई रोक नहीं रहा, एमसीडी आज से कर सकता है। एमसीडी को हम टेक ओवर थोड़ा कर रहे हैं भाई, या तो हमें टेक ओवर करा रहे हो, हमसे कुछ नहीं पूछना, उन्होंने आज से स्टार्ट कर दें। सर आपकी सवाल, क्या बैंक्वेट हॉल और स्टेडियम को भी हॉस्पिटल कन्वर्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्केल के ऊपर बैंक्वेट हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स, स्टेडियम्स, इन सब की तैयारी की जा रही है? एक ऑर्डर और जारी किया सर सभी कोविड डेडिकेटेड में ऑक्सीजन बेड लगाने को लेकर दिल्ली सरकार ने ऑर्डर, कोविड डेडिकेटेड के अलावा डेडिकेटेड में तो लगा ही रहे हैं हम, जितने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उसमें 80% बेड ऑक्सीजन बेड्स हैं कोविड के वाले, हमने कहा जो नॉन कोविड है उनको भी ऑक्सीजन के इंतजाम किया जाए।